कोरोना महामारी के चलते जो लॉकडाउन पीरियड है, इस अवधि में बच्चों की पढ़ाई का जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए सरकार के निर्देशानुसार ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अध्यापक जो है हर घर बने पाठशाला 10 से 12 बजे तक वो अपना लेसन डिलीवर करेगा। 16 तारीख से पहले पहले अपनी अपनी कक्षाओं के जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो अध्यापक बनाएगा फ़ोन नंबर कलेक्ट करके, और 16 तारीख से ये काम सुचारू रूप से चलेगा। शाम के 5 बजे अध्यापक को फॉर्म भी ऑनलाइन भरनी है ताकि उसकी जो प्रोग्रेस है, उसका जो कार्य है, वो कंप्लायंस उसकी जो है विभाग को मिल सके। बाकी जो मिड डे मील इस अवधि के दौरान मिड डे मील जो बच्चों को नहीं उपलब्ध हुआ है, प्राइमरी में बच्चों को 100 ग्राम प्रति बच्चा प्रतिदिन जो चावल इस अवधि का है 30 अप्रैल तक, 16 मार्च से 30 अप्रैल तक वो वर्किंग डेज कैलकुलेट करके 100 ग्राम प्रति बच्चा जो है प्रतिदिन चावल और 4 रुपये 48 पैसे बच्चों की जो है कुकिंग कॉस्ट प्रति बच्चा प्रतिदिन के हिसाब से उनके खाते में जाएगी, और अपर प्राइमरी में 150 ग्राम चावल प्रति बच्चा प्रतिदिन और 6 रुपये 71 पैसे जो है वो कुकिंग कॉस्ट इस अवधि का जो है बच्चों के खाते में जाना है। जिलाधीश महोदय के निर्देशानुसार ये ड्यूटीज़ लगाई जाएंगी अध्यापकों की। 25 बच्चे जिस विद्यालय में 25 बच्चे हैं उससे कम बच्चे हैं तो एक अध्यापक की ड्यूटी लगेगी, वो डोर टू डोर जा कर के ये चावल जो है वो राइस जो है वो देगा, और बाकी जो पैसा है इस अवधि का वो बच्चों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। हमारे ज़िले में 1190 प्राइमरी स्कूल हैं, 242 मिडिल स्कूल हैं। जिलाधीश महोदय का सख्त निर्देश है कि कोई भी बच्चा या अभिभावक विद्यालय में बुलाया नहीं जाएगा, इसके लिए डोर टू डोर ही वो ये चावल जो है वो बांटे जाएंगे, और अध्यापक जो बांटने जाएगा या एमडीएम वर्कर जो जाएगा वो अपनी सुरक्षा मास्क पहन के जाएगा और वो हैंड वॉशिंग का ध्यान रखेगा, सोशल डिस्टेंसिंग का वो खास ख्याल रखेगा ताकि ये जो महामारी है इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो सुनिश्चित हो सके। प्राइवेट विद्यालयों की जो फीस है लॉकडाउन अवधि का जो फीस का है ये तो बाद में सरकार फैसला करेगी, लेकिन इस समय यही निर्देश है कि वो कोई भी प्राइवेट स्कूल अभिभावकों के ऊपर अनावश्यक दबाव नहीं डालेगा कि फीस जमा अभी अभी कराओ। ये बाद में डिसाइड होगा कि किस्तों में होता है, जैसा भी सरकार के निर्देश होंगे वैसा इस पर अमल जो है लगाया जाएगा। समस्त अभिभावकों से बच्चों से ये अनुरोध रहेगा कि इस लॉकडाउन अवधि में घर में रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करें और हैंड वॉशिंग का विशेष ध्यान दें, सफाई का, स्वच्छता का ध्यान दें ताकि ये महामारी जो जिसका एकमात्र इलाज सोशल डिस्टेंसिंग है, इसका सिर्फ प्रिकॉशन है, इसका कोई परमानेंट इलाज अभी तक आया नहीं है, इसलिए प्रिकॉशंस जो है लें ताकि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ये महामारी जो है वो कम्युनिटी स्तर तक ना फैल सके।